गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 3.4। एज वी डिस्कस दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, सो वी अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज एंड वी कैन इजीली सॉल्व दिस एक्सरसाइज। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, फॉल्स। व्हाई? आपको यहाँ पे रीजन भी लिखना है, जस्टिफाई भी करना है व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख दिया और होमवर्क अपने सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। ओके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको हर स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स क्यों है उसका रीजन भी लिखना है। अंडरस्टैंड? मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर? नो, फॉल्स। व्हाई? बिकॉज इन ए स्क्वायर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बट इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर। अंडरस्टैंड? ओके। बी, All rhombuses are parallelogram? Yes, true. Why? Because all the properties of parallelogram exist in rhombus. Opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal, diagonal bisect each other. Okay. Now see, all square are rhombus and also rectangle. It is also true. Why? Because जो square होते हैं, square वो rhombus भी होते हैं और rectangle भी होते हैं। क्यों होते हैं? Because देखो, all the properties of rhombus and rectangles exist in a square. चारों साइड इक्वल होती है। यस, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है, डायगनल बाइसेक्ट इज अदर करते हैं। तो इसलिए सारे जो स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं। आप इमेज करके देखो, रोम्बस भी होती है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है। पर हाँ, रोम्बस, ऑल रोम्बसेस आर नॉट ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ऑल रोम्बसेस आर नॉट ए स्क्वायर बिकॉज इन ए रोम्बस इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। राइट? ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट अ पैरेललोग्राम। फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम बिकॉज इन ए स्क्वायर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। फॉल्स, क्योंकि काइट्स में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। इन काइट ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल। ऑल रोम्बसेस आर काइट्स? यस, इट्स ट्रू, रोम्बसेस काइट्स होती है, क्योंकि देखो रोम्बसेस में चारों साइड इक्वल होती है तो कंसेक्यूटिव साइड भी इक्वल हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अगर मैंने रोम्बसेस, मैंने रोम्बस बनाया जिसके चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, ये भी, ये चारों इक्वल है, तो कंसेक्यूटिव साइड भी तो इक्वल हुई। तो ऑल रोम्बसेस आर काइट बट ऑल काइट्स आर नॉट ए रोम्बस। ओके, नेक्स्ट, जी, जी पार्ट क्या है? ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। यस, ट्रू, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, क्योंकि हर पैरेललोग्राम की वन पेयर अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती है, जो कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। यस, तो आपको क्या करना है, हर शेप की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, अदरवाइज पूरा चैप्टर आप नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड? पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है और पूरा पूरा प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। अंडरस्टैंड? ओके, लास्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, यस, क्योंकि स्क्वायर के भी एक पेयर अपोजिट साइड्स क्या होती है, क्या होती है, पैरेलल होती है। बस, तो ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी है, क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल ओनली, पैरेलल ओनली, नॉट इक्वल, इज ए ट्रेपेजियम। राइट? ओके, नाउ सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव फोर साइड इक्वल लेंथ। तो क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वो कौन सा था, आप बताओ? रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है। राइट? ऑल फोर राइट एंगल्स, रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर में चारों राइट एंगल्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर। व्हाई स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर? बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए फोर लाइन सेगमेंट। ओके, स्क्वायर इज ए पॉलीगन मेड अप ऑफ ए फोर लाइन सेगमेंट, दैट इज द रीजन। आपको भी वहां रीजन लिखना है जब आप सॉल्व करोगे। हाउ, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज इन स्क्वायर ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम किसमें होती है? स्क्वायर में होती है, that's why square is a parallelogram. Okay, explain how square is a rhombus. Rhombus की भी सारी प्रॉपर्टी होती है, बताओ क्या होता है rhombus में? चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होती है चारों साइड, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है इसमें भी होती है, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं उसमें भी होते हैं। यहाँ ये अलग है कि स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी होती है, जिसमें आप सारे एंगल्स 90 डिग्री बता सकते हो और डायगोनल जो की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। राइट? नाउ एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं।
अंडरस्टैंड, दैट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज है, थियोरेटिकल एक्सरसाइज है, आपको विथ एक्सप्लेन, विथ रीजन एक्सप्लेन करना है. अंडरस्टैंड? ओके. नेम द क्वाड्रेटर हूज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. अब देखो आपको फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे क्वाड्रेटर बताने हैं जिनमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है. आप बताओ रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, रोम्बस में होते हैं, पैरेललोग्राम में सारे होते हैं. आप कोई सा भी पैरेललोग्राम का एग्जांपल दे सकते हो, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर. आज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसमें रोम्बस और स्क्वायर में होते हैं, अंडरस्टैंड, रेक्टेंगल वहां नहीं आएगा. आज इक्वल, इक्वल किसमें होता है बताओ, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल. ओके. सो अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न होगी सबकी, शेप्स की, क्वाड्रेटर्स की, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स की, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस करोगे. और विथ रीजन करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वहां रीजन एक्सप्लेन करना है. ओके. नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर. रेक्टेंगल जो है कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर. ए क्वाड्रेटर इन विच ऑल जो डायगोनल्स आर लाइज वन इंटीरियर पार्ट एंड नो एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. अब आप बताओ अब रेक्टेंगल में क्या होता है. अब आपको रेक्टेंगल को यूज करना है और इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके बताना है कि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं. As we know that all angles are 90 degree. Diagonals भी इंटीरियर ही लाई करते हैं. यही हमने वहां पर डिस्कस किया था कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर के लिए. कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर की दो ही प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स क्या करते हैं, इंटरनल लाई करते हैं और एक भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होता है. तो ये सारी दोनों प्रॉपर्टीज किसमें है, रेक्टेंगल में होती है. दैट्स व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर. अंडरस्टैंड? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको और ओ जो है वो एसी का मिड पॉइंट दे रखा है. आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ओ जो है वो इक्विडिस्टेंस है एबीसी तीनों पॉइंट से. तो इसके लिए हमको क्या है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. आपको एओ एडी को पैरेलल बनानी पड़ेगी बीसी के और एक सीडी बनानी पड़ेगी पैरेलल किसके, एबी के, और इसको ज्वाइन करने की जैसे बुक में हमारे को डॉटेड लाइन से शो कर रखा है और फिर ओ को डी से ज्वाइन कर दिया. तो अब आप देखोगे कि एबीसीडी जो है वो हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन. प्लीज कीप इन योर माइंड, राइट, आफ्टर कंस्ट्रक्शन एबीसीडी इज वॉट, पैरेललोग्राम. व्हाई, रीजन आपको लिखना है, बिकॉज एडी हमने पैरेलल बनाई बीसी के और एबी किसके पैरेलल बनाई, सीडी के. तो बहुत पैरेलल सेट पैरेलल हो गई, इक्वल होनी है और इक्वल होगी, राइट. तो क्या बन जाएगा ये, पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. दैट्स व्हाई एओ इज इक्वल टू ओसी एंड बीओ इज इक्वल टू ओडी. दैट्स व्हाई ओ इज ए O is what? Equidistance from A, B and C. Okay? So that's all about this chapter. I repeat again, please remember all the properties. Please keep in your mind all the properties of quadrilateral, types of parallelogram. Important thing is parallelogram hai. ना? तो parallelogram की properties, जितने भी types के parallelogram है, उनकी सबकी properties आपको याद रखनी है. Okay? Thank you.